नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं यदि आपने उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन किए हैं और काफ़ी दिन होने के बाद आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है आप भूल चुके हैं तो कैसे आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल के उद्योग आधार की सर्टिफिकेट को डाउनलोड तथा प्रिंट कर सकते हैं इसका कम्प्लीट जानकारी आपको स्टेप बाई स्टेप गाइड के साथ बताने वाला हूँ जिसे देखकर आप अपने उद्योग आधार को आसानी से निकाल सकते हैं आइए बिना देर किए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस तो दोस्तों यदि आप अपना उद्योग आधार की उद्यम नंबर या फिर यू नंबर को भूल चुके हैं तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन डॉट जी ओ वी डॉट इन की ये वाली वेबसाइट पर आना है इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा वहाँ से क्लिक करके आप इसके वेबसाइट पर आ सकते हैं इसका वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देता है और अपना आपको उद्यम नंबर जानने के लिए यहाँ पे आपको देखिए ऊपर में प्रिंट एंड वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जिससे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएगा इसमें आपको सबसे नीचे फॉरगेट उद्यम पब्लिक यू ए एम नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जिससे ये वाली पेज खुल जाएगी और यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन में उद्योग आधार मेमोरेंडम का ऑप्शन मिलेगा और उद्यम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा तो अगर आपने पिछले कुछ सालों में उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो यहाँ पे यू ए एम यानि उद्योग आधार मेमोरेंडम का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और हाल फिलहाल में यदि आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन से किए हैं तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है या फिर यदि इन दोनों में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक करके दोनों वाले ऑप्शन में क्लिक करके इस ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हैं चेक करके तो मैं फिलहाल उद्योग आधार मेमोरेंडम वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं और उसके नीचे मैं चूज ओ ऑप्शन के नीचे आपको मोबाइल तथा ईमेल आईडी दोनों का ऑप्शन मिलता है तो इनमें से आप जो भी ऑप्शन चाहें उसे क्लिक कर लें उसी में आपका वन टाइम पासवर्ड आएगा तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन को चुन लेता हूँ और इंटर मोबाइल या ई मेल में मोबाइल नंबर को डाल देता हूं जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन हुआ है और वैलिडेट एंड जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं और इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर में एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा यहां पे नीचे में आप देख सकते हैं पासवर्ड भेजा जा चुका है और ये ओ टी पी दस मिनट तक वैलिड रहता है तो जो आपके मोबाइल में ओ टी पी आया है उसे आपको ओ टी पी कोड वाले ऑप्शन पर डालना है और वैलिडेट ओ टी पी पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा और यहाँ पे इंटरप्राइज का नाम भी दिख जाएगा तो आपको क्या करना है ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो आ रहा है इसे आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है या फिर इसका आप एक फ़ोटो क्लिक कर लें या फिर कहीं नोट कर लें उसके बाद आपको अगला प्रोसेस क्या करना है वापस से आपको प्रिंट एंड वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ पे आपको देखिए तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में प्रिंट यू सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जिससे इसका प्रिंट की पेज खुल जाएगी और यहाँ पे आपको इंटर योर यू ए एम नंबर में आपको उसी नंबर को यहाँ पे टाइप करना है या फिर पेस्ट कर देना है और उसके नीचे इंटर मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन में आप दोबारा से वही मोबाइल नंबर डालें और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो उसके बाद आपका एम एस एम ई का उद्योग आधार की सर्टिफिकेट जो आपका है यहाँ पे आप देख सकते हैं शो हो गया है और उसके नीचे आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है आप इस पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं या फिर इस सर्टिफिकेट को आप सेव एज पी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव भी कर सकते हैं तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह जानकारी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे नए नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बटन को ऑन जरूर कर लें वीडियो को पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में खुश रहें और जीवन का आनंद लें